ठीक है ठीक ठीक आइए संजय कहाँ हैं। आप सभी का पत्रकार वार्ता में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार को में प्रत्येक जिला स्तर पर पत्रकार वार्ता के माध्यम से जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी जानकारी आपके माध्यम आप सभी का एक पत्रकार वार्ता के लिए आप सब बता रहे हैं। देश के आजादी के पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ किसी ऐसे दल की सरकार 2000 का जन्म ही कांग्रेस के विरोध की राजनीति से हुआ और देश बात केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने की किसान के हित में सोचते हुए कि देश का पूरा चरित्र देखें तो कांग्रेस में कभी भी विचार की राजनीति नहीं हुई। कांग्रेस ने कभी भी किसी प्रकार से अपनी राजनीति को एक दिशा देकर के कहीं हम देश के निर्माण की राजनीति करें उसको खड़ा करने का प्रयास नहीं किया। कांग्रेस हमेशा परिवारवाद की राजनीति पर चली, वंशवाद की राजनीति पर चली। राजनीति में अपने आप को स्थापित करने के लिए कभी उन्होंने परिवारवाद का नारा लिया, कभी जातिवाद का कारण लिया, कभी तुष्टिकरण का नारा लिया और उसके माध्यम से अपने रास्तों को बनाने का काम करती रही। आज इन 4 सालों में देखें तो राजनीति को परिवारवाद, तुष्टिकरण, जातिवाद से बदल करके विकास की राजनीति के आयाम खड़ा करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यही दर शायद कांग्रेस के लोगों को है कि हम आज राजनीति की जो दिशा बदल रही है हर वर्ग के लिए चिंता, उसके लिए योजना, उसको खड़ा करने का काम और कैसे हम इन छोटे नारों से निकल करके ये संपूर्ण देश एक है, हम सब इस देश के नागरिक हैं, उस लेकर के बढ़ा जाए, ये जो प्रयास हो रहे हैं ये कहीं कांग्रेस के लिए कष्टकारक है और इन 4 सालों के परिणाम का ये द्योतक है कि देश में केवल 2 राज्यों में कांग्रेस आज सिमट कर रह गई है। कर्नाटक में, तीसरे राज्य में, वहाँ भी एक छोटे दल के साथ कंधे पर बैठकर सत्ता कर पहुँचने का प्रयास उन्होंने किया। बाकी देश में केवल 2 राज्यों में जो कभी पैन इंडिया प्रेजेंस की बात कांग्रेस करती थी आज वो 2 राज्यों में और जिस भारतीय जनता पार्टी की 2-3 राज्यों में सरकार होती थी, नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के विचार और कार्यक्रम, इनके माध्यम से आज पैन इंडिया प्रेजेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में खड़ी है। आम आदमी का विश्वास खड़ा हुआ है उसकी पूरी तरह से, कहीं एक विश्वास खड़ा हुआ है कि देश में जिस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए थी वो राजनीति इन 4 सालों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे भारत में खड़ी हुई है। दुनिया में भी उपस्थिति देखें तो संपूर्ण विश्व आज भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में देखा है और उस मजबूत राष्ट्र का ऐसा नेतृत्व जो संपूर्ण दुनिया को अपना कहीं ना कहीं देश की संस्कृति का संदेश, संस्कार का संदेश, हम कहीं शांति का संदेश, उस संदेश को पहुँचाने का माध्यम, उसके माध्यम से अपनी एक पहचान संपूर्ण दुनिया में खड़ा करने का काम हुआ है। बिजली में दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना में सब गांवों को इन 4 सालों में बिजली से युक्त करने का काम किया। अब सौभाग्य योजना के माध्यम से प्रत्येक घर में बिजली पहुंचे, इसको सरकार ने शुरू किया और इसको भी पूर्णता करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। आज श्रीमान अशोक गहलोत जी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले तो राजस्थान से जाकर के दिल्ली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रमुख रूप से कुछ 3 बातें उन्होंने कही हैं। एक तो उन्होंने कहा कि परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण, वंशवाद पर अटैक करने की बात उन्होंने की कि बार बार भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वंशवाद की बात करते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने इस बात को कहा कि 28 साल लगातार के एक परिवार का शासन होने के बाद भी किसी प्रकार से भी 28 साल तक वो परिवार शासन से दूर है। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से कांग्रेस की जो संस्कृति है उस संस्कृति के हिसाब से उन्होंने अंधभक्ति और वंशवाद और जिस परिवारवाद उसको कैसे पोषित किया जाए, जो कांग्रेस पूरी चल रही है उसी को बढ़ाने का काम अशोक गहलोत जी ने किया। अशोक गहलोत जी जैसा जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस में लंबे समय से काम कर रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने स्वयं लोकतंत्र के माध्यम से विधायक बने, सांसद बने और फिर मुख्यमंत्री बने, आज परिवारवाद का या वंशवाद का पूरी तरह से पैरवी करना ये बताता है कि कांग्रेस में
किस प्रकार से दिवालियापन खड़ा हो चुका है और एक परिवार और एक वंश के पूछे पूरी पार्टी पूरी खड़े होने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर लोन की बातों में कांग्रेस के लोगों को एक ही चुनौती देता हूं कि राजस्थान का उदाहरण, उन्होंने जब जब सरकार में रहे किसी भी कांग्रेस के लिए लोन वेवर का कोई भी काम किया हो, और जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के समय में जो लोन वेवर की चीजें हुई हैं उनकी तुलना कर लें, किसी टेबल पर बैठ जाएं, चाहे वो भैरव सिंह जी के समय का होगा या फिर 10,000 का लोन उनके समय होगा या 50,000 का लोन अब माफ करने की बात हुई, स्वयं ने किसान को किसी प्रकार का लोन का वेवर करने की बात नहीं की। अब उसी मुद्दे के ऊपर राजनीति खड़ा करने का प्रयास कांग्रेस को द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने जीडीपी की बात की।